तो ये बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक राज था और पूरा साउथ इंडिया भी इंक्लूडेड था। इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत इन्होंने गियासुद्दीन ने बना रखा था। उसके बाद जो है, और बहुत सारे रीजन इसमें, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, जैसे कि गौड़ा, गौड़ा भी मैंने बताया, बंगाल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है बंगाल। आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये सारी चीजें भी अपेरेंटली फेल्ड बिफोर हिज आर्मी। और ये जितने भी रीजन थे ये भी उसके ही आर्मी के अंदर आते थे, ठीक है। इतने सारे स्टेट्स को उन्होंने ले रखा था। ये मैप है जिसमें उनके पूरे स्टेट्स के बारे में बताया गया है। हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज एक्सक्रिएटरी क्लेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रूलर्स कीप क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब इससे जो है ये हमें नहीं पता कि वो सच है या झूठा, उसमें जो भी संस्कृत में उसमें बुक में लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये चीजें थी। तो अब जो हिस्टोरियंस है वो ये सोच रहे कि जो रूलर था वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे अपना कब्जा जताने की कोशिश या फिर अपना क्लेम क्यों बताते थे। ये पोएट आमिर खुसरो की नोट्स हैं 1318 के, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस रीजन जैसे सिंधी, लोहा, लाहौरी, कश्मीरी और दक्षिणी साउथ कर्नाटक के बारे में, इन सब अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्होंने जो भी अपना लिखा था वो सबका दिया हुआ है। बाय 700 मैनी रीजन ऑलरेडी पोस्ट डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन एंड ओन डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक। 700 तक आते आते बहुत सारे जो रीजन्स थे उन्होंने अपनी अलग लैंग्वेज बना ली थी, अपना कल्चर बना लिया था, अपने अलग ही कैरेक्टरिस्टिक थे उनके कल्चर के, सारी चीजें अलग हो रही थी। अब जब देखो, जब लोगों के लैंग्वेजेस चेंज होते हैं, जब कल्चर चेंज होते हैं, तो उनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ, जो बड़े बड़े डायनेस्टी थे, मतलब जो एक ही इंसान जो क्लेम कर रहा था कि मेरा बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक का रूल है, उसके अब बंगाल से लेके अफगानिस्तान में अलग अलग लैंग्वेज थे, अलग अलग कल्चर थे, तो वो जो अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर में जो जो कॉन्फ्लिक्ट आए, उससे वो बड़ा रूलर जो था, जिसका बड़ा सा रूल था, बड़ी रीजन पे एम्पायर था उसका, वो टूटने लग गया और वो टूट के छोटे छोटे एम्पायर्स में बदलने लग गया। तो जो ये बड़ा रूल होता है, बड़ा एम्पायर होता है, उसे हम पैन रिलीजनल कहते हैं, बड़ा सा रूल है अपना, चलो उससे चलते थे। लेकिन ये सारी चीजें अब जो थी वो टूटने लग गई, जैसे कि तुगलक की, खिलजी की, चोलास की और मुगला की है, ये सारी जो है बड़े, बहुत बड़े रीजंस थे, बड़े एम्पायर थे। मुगल का तो आपको पता ही होगा, सबसे ज्यादा हमने मुगल के बारे में हिस्ट्री में अभी तक जो जूनियर बच्चे होते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा मुगल के बारे में पढ़ा होता है। उसके बाद तुगलक के बारे में भी है, खिलजी के बारे में भी, और चोलास के बारे में। ये बड़ी डायनेस्टी थी, पैन रिलीजन डायनेस्टीज थी ये। तो ये जो थी वो छोटे छोटे स्टेट्स में चेंज होने लग गई थी, जिसके बारे में आप टेबल वन इन चैप्टर 3 और 4, अब चैप्टर 3 और 4 में जो टेबल दी हुई है उसमें इसके बारे रूलर्स और सारी डिटेल्स दी हुई है, तो ये हम आगे के चैप्टर में जानेंगे। अभी के लिए हम इतना ब्रीफ जान लेते हैं कि ये जो बड़े बड़े डायनेस्टीज थे ये छोटे छोटे हिस्सों में बंटने लग गए, और किसकी वजह से, सिर्फ छोटे लैंग्वेज कल्चर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। आज भी जो हमारा इंडिया है, हमने जो स्टेट्स बांटे हैं वो लैंग्वेज के बेस पे और कल्चर के बेस पे ही हमने स्टेट्स की बाउंड्री बांट रखी है। जहां लोगों के लैंग्वेजेस चेंज होने लग जाते हैं, कल्चर चेंज होने लग जाते हैं, वो स्टेट दूसरा बन जाता है। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी इट लीड टू द री एमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट्स। जब 18वीं सदी में मुगल डायनेस्टी टूटने लग गई या कमजोर पड़ने लग गई, तो उससे क्या हुआ, छोटे छोटे नए डायनेस्टियों का जन्म हुआ, जिसके बारे में आप चैप्टर 10 में पढ़ लोगे। बट ईयर्स और एम्पायर पैन रिलीजन रूलर रूल एंड अल्टरेट द कैरेक्टर ऑफ द रीजन। अब देखो, अब बहुत सालों तक अगर मैंने सिर्फ हिंदी बोली होगी तो बाद में अचानक से कोई मुझे आके बोले इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बात करो, तो मुझे थोड़ी तकलीफ होगी। जब लोगों ने बहुत सालों तक एक बड़े रूलर के अंदर रहा होगा और फिर अचानक से छोटी छोटी डायनेस्टीज बने, तो प्रॉब्लम तो आनी ही थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई, चाहे वो उसको गवर्न करने में, मतलब उसको
उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उसके टैक्स कलेक्टिंग में हो, इकोनॉमिक में हो, कल्चर में हो, बहुत सारी चीजें का डिफरेंस आने लग गया और बहुत प्रॉब्लमें दिखने लग गई. थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 द करेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजंस डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. इतने सालों के बीच में भले उनके बीच में बहुत सारी उनके में प्रॉब्लम्स आने लग गई छोटे स्टेट में, बट जो वो आइसोलेशन में नहीं गए, वो एकदम से छुपे नहीं सबसे, वो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके अपना काम करते रहे, चलते रहे. दीज रीजंस फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज पैन रीजन फोर्स ऑफ इंट्रीगेशन विदाउट एवर पॉइंट लूजिंग देयर डिस्टिंग्विश. अब ये जो चीजें हो रही थी भले वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट रहा था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब हद तक इम्प्रेशन जो था वो पैन रिलीजन वालों का ही था. वो जो बड़े एम्पायर वाले थे उन्हीं के इम्प्रेशन से वो छोटी छोटी डायनेस्टीज चल रही थी, उन्हीं के नाम पे बोल लो या उन्हीं की कॉपी करके बोल लो, उस हिसाब से वो चीजें चल रही थी. यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है. अगला टॉपिक ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, ये हम अगले वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. Thank you.